भारतीय जनता पार्टी जाने, प्रधानमंत्री को बुलाए, गृह मंत्री को बुलाए, नहीं हो तो विदेश से भी किसी को बुला ले, क्या चिंता है इसकी। हम लोग महागठबंधन के जो लोग हैं पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि देश में जो उन्होंने वादा किया था और एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है, चाहे रोज़गार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे काला धन लाने का सवाल हो, अच्छे दिन आने का सवाल हो, एक भी सवाल का हल भारत सरकार ने नहीं किया। देश में बैठे प्रधानमंत्री हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, किसी ने एक भी मामले का हल नहीं निकाला। इसलिए देश की जनता 2024 में उनसे गद्दी खाली कराएगी और महागठबंधन को लाएगी। 9 साल बेमिसाल बता रही है। तो बेमिसाल तो यही है, बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। हर व्यक्ति के खजाने, हर परिवार के खजाने में 15-15 लाख रुपया, अब 15 रुपया भी किसी के खजाने में नहीं गया। काले धन लाने की बात कही, एक भी काला धन नहीं आया। अच्छे दिन आने की बात कही, एक अच्छा दिन नहीं आया। अच्छा दिन तो यही है कि गरीबों को उन्होंने सिलेंडर बांट दिया और गरीबों को 5 किलो मुफ्त में राशन दे दिया और साबुन का दाम बढ़ाया, तेल का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया, नमक का दाम बढ़ाया, रोजमर्रे इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उस सब का दाम आसमान छू रहा है और बड़े जो पूंजीपति हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और गरीब का जेब कट रहा है, गरीब परेशान है, गरीब जो है पूरी तरह से मुसीबत में खड़ा है, परेशानी से जूझ रहा है। उसके न्याय के लिए महागठबंधन तैयार है, उनकी समस्या के हल के लिए, और 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त किया जाएगा और गरीबों के साथ जो छल हुआ है उसका पूरा पूरा हिसाब किया जाएगा। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, चार रैली कर रही है भाजपा, इसको चिंता। मैंने तो कहा कि मोदी जी क्या वो विदेशों से भी किसी को अगर बुलाना चाहते हैं तो बुलाएं, हम लोग तो तैयार ही बैठे हैं। 12 तारीख के भाजपा विरोध प्रदर्शन करेंगे। और भाई भाजपा के पास दम है प्रदर्शन करने का, भाजपा का दम है आपके सामने टेलीविजन पर बोलने का, भाजपा को दम है अखबार और प्रिंट मीडिया में छपने का, छपास में वो हैं, बाकी उनको आंदोलन करने की क्षमता न बिहार में है और न देश में है। नहीं, हम लोग झूठ बोलते हैं कि भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, ये तो उसका प्रमाण है। जिन लोगों ने कहा कि हर परिवार के खजाने में 15-15 लाख रुपया हर परिवार के खाते में जाएगा, तो आप ही लोग, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों में आ गया होगा 15-15 लाख। अगर 15 लाख आप पत्रकारों के खाते में आ गया है तब तो वो जो आरोप इस पर लगा रहे हैं वो सत्य है। अगर बेरोजगारी घटी है, रोजगार मिला है और आप भी परिवार वाले हैं, आप भी बिहार के लोग हैं, अगर आपके परिवारों में से किसी को नौकरी हुई है तो बिहार में हुआ होगा, भारत सरकार में किसी की नौकरी नहीं होगी। अगर हुई होगी तो हम असत्य बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं।